दोस्तों, आज के इस दौर में हर शख्स तरक्की करना चाहता है, आसमान को छूना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। इसकी एक वजह यह भी होती है कि इसका दिमाग शार्प नहीं होता, इसकी ब्रेन मेमोरी कमज़ोर होती है। दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी आपकी सेहत और आपके दिमाग की अहमियत पर मुनहसर होती है। आया कि आप एक स्टूडेंट हैं और अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप फिर एक प्रोफेशनल हैं और अपने कारोबार को आसमान की बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए सिर्फ एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि आया कि आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कितने शार्प हैं। एक कमज़ोर दिमाग वाला बंदा कभी भी आसमान को नहीं छू सकता जब तक कि वो अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग ना कर ले। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप ना सिर्फ खुद की मेमोरी को बढ़ा सकेंगे बल्कि आप अपने आप को पहले से ज़्यादा पुरसकून फील करेंगे। आते हैं अपने टिप्स की तरफ। पहली टिप है, गिव योर ब्रेन ए वर्कआउट। गिव योर ब्रेन ए वर्कआउट का मतलब है कि जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं या फील करते हैं, हमारा दिमाग इस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना शुरू कर देता है और प्रोसेस के मुकम्मल होने पर हमारी बॉडी को सिग्नल भेजता है जिस पर हम रिएक्शन देने के लिए तैयार हो जाते हैं या फिर रिएक्शन दे देते हैं। दोस्तों, हमें हरगिज ऐसा नहीं करना है, हमने अपने दिमाग को पुरसकून करना है। हमें ना कुछ सुनना है, ना देखना है, ना कोई रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, जिससे हमारा दिमाग खुद ब खुद ही कम इन पीस में आ जाएगा। इसके बाद आप जो कुछ भी करेंगे वो हमेशा आपको याद रहेगा। सेकंड टिप है, डोंट स्किप फिजिकल एक्सरसाइज। इसका मतलब है कि आपको हर रोज़ सुबह उठकर रेगुलरली से एक्सरसाइज करनी है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप ब्रेन एक्सरसाइज करते हैं लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ऐसा हरगिज़ नहीं है। फिजिकल एक्सरसाइज भी हमारी बॉडी के लिए और हमारे ब्रेन के लिए इतनी ही अहम है जितनी के कोई और। फिजिकल एक्सरसाइज हमारे ब्रेन को शार्प करती है, ये ऑक्सीजन को हमारे दिमाग तक ले जाती है, डिसऑर्डर के रिस्क को कम करती है जो ब्रेन मेमोरी के लॉस का सबब बनता है। फिजिकल एक्सरसाइज से ना सिर्फ हमारे दिमाग में हेल्पफुल केमिकल क्रिएट होते हैं बल्कि स्ट्रेस हार्मोन्स में भी कमी होती है। तीसरी टिप है, गेट योर जीज। इसका मतलब है कि आपकी नींद मुकम्मल होनी चाहिए। एक आम नॉर्मल हेल्थी ब्रेन के लिए जो नींद है वो 7.5 घंटे से लेकर 9 घंटे तक की है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आप अपने डेली के काम इफेक्टिवली से नहीं कर सकेंगे और आपकी मेमोरी लॉस होगी जिससे आप चीज़ों को सही तरीके से याद नहीं रख सकेंगे। दोस्तों, आपकी नींद कम से कम 7.5 घंटे ज़रूर होनी चाहिए। दोस्तों, आप अगर अपने सोने का टाइम मुकर्रर कर लेते हैं कि मैंने हर रोज़ इतने बजे सो जाना है तो यकीन माने आपकी ब्रेन मेमोरी हैरानकुन तौर पर इनक्रीज़ होगी। अपनी ब्रेन मेमोरी को इनक्रीज़ करने के लिए जो चौथी टिप है वो है, मेक टाइम्स फॉर फ्रेंड्स। मेक टाइम फॉर फ्रेंड्स का मतलब है कि आपको अपने दोस्तों के लिए वक्त निकालना होगा क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है और वो अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। लिहाजा आप घर से बाहर निकलें, लोगों से मिलें, उनको दोस्त बनाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। जब आप मुख्तलिफ़ तरह के लोगों से मिलेंगे तो आपके दिमाग को मुख्तलिफ़ तरह के इनपुट्स मिलेंगे जो आपके दिमाग को शार्प करेंगी और आपकी मेमोरी इंक्रीज होगी। पांचवी टिप है, कीप स्ट्रेस इन चेक। इसका मतलब है कि आपको अपने दिमाग पर लंबे अरसे के लिए कोई स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि स्ट्रेस इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है। मुख्तलिफ स्टडीज़ के मुतालिया से पता चलता है कि स्ट्रेस भी मेमोरी लॉस का एक सबब है, लिहाजा कभी भी कोई भी लंबे अरसे के लिए आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस में आ गए हैं और आप इसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगी। मेडिटेशन करने का तरीका ये है कि आप अपने आप को तन्हा एक कमरे में बंद कर लें जहाँ पर कोई आवाज़ ना हो, बिल्कुल सन्नाटा ही सन्नाटा। कमरे की लाइट को बंद कर लें, पुरसकून होकर बैठ जाएं, अपने जिस्म को ढीला छोड़ दें, अपने दिमाग में आने वाले तमाम ख्यालात को रोकने की कोशिश करें। जब आप ये सब करेंगे तो आपका दिमाग खुद ब खुद ही कम इन पीस में आ जाएगा।
जो आपके लिए और आपके ब्रेन मेमोरी के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। छठी टिप है, टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स टू सपोर्ट लर्निंग एंड मेमोरी। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ सीखने के लिए, याद करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स करने होंगे। आप कभी भी किसी भी चीज़ को उस वक्त तक याद नहीं कर सकते जब तक आपने इसको सीखा ना हो, और आप उस वक्त तक सीख नहीं सकते जब तक आपने इसको अपने दिमाग में इनकोड ना कर लिया हो, और आप उस वक्त तक इनकोड नहीं कर सकते जब तक आपने इस पर पूरी तरह से तवज्जो ना दी हो। आपको एक बार बताते चलें, हमारे दिमाग में कोई चीज़ सेव करने के लिए 8 सेकंड दरकार होते हैं। जब आप किसी भी चीज़ को पूरी तवज्जो के साथ 8 सेकंड के लिए ऑब्ज़र्व करते हैं, तो ये आपके दिमाग में इनकोड हो जाती है और हमारा दिमाग इस पर प्रोसेसिंग शुरू कर देता है। ये थी 6 टिप्स। अगर आप इन पर अमल पैरा होते हैं, इनको आप अडॉप्ट करते हैं, तो यकीन माने कि आप हैरान कन तौर पर वाकई में, रियली में आप अपनी मेमोरी को इनक्रीज़ कर सकेंगे।